श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। एक बार उनसे प्रेम हो जाए तो आप एक कदम आगे बढ़ोगे तो चार कदम आगे बढ़ते हैं। भगवान के लिए कहा जाता है, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलने देना। आज इसी पधारी एक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को आखिर तक अवश्य सुनिएगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल वन अयोध्या YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। एक समय श्री रंगनाथ मंदिर के महंत, जो कि भगवान के बहुत प्रिय भक्त भी थे, अपने कुछ शिष्यों के साथ दक्षिण में तीर्थ दर्शन कर रहे थे। एक नगर में पहुँचे, शाम का समय हो गया था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन बहुत खुश हुआ और उन्होंने कहा, आज यहीं विश्राम करते हैं, भोजन प्रसाद बनाकर हरिनाम संकीर्तन किया जाएगा। संयोग से वह स्थान एक वैश्या का था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि ये जगह किसकी है और वो कहाँ रुके हैं। विश्राम व भोजन प्रसादी कर रहे थे। वो स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाए थे। आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त हो, उस वैश्या के हृदय में श्री प्रभु का प्रेम प्रकाशित हो रहा हो। स्वयं को बड़ा बड़भागी जान उसने संतों को विघ्न ना हो ये जानकर तथा अपने बारे में कुछ ना बताकर दूर से ही भवन से ही ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का प्रसाद, भोजन प्रसाद व संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वैश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएँ लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत हुई। उसने महंत जी को प्रणाम किया और बताया कि ये स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई यह जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा, यह बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी बहुत पसंद आया है यह स्थान, संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वैश्या ने वो स्वर्ण भरा थाल महंत जी के सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है वो बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते और शास्त्र भी इसकी अनुमति नहीं देता। अतः महंत जी ने उस वैश्या से कहा, हम बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते, आपने किस तरह से ये धन अर्जित किया है। वैश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ ना कहके सारी बात सच सच बता दी कि मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वह महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी दया आई उसने इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट पड़ गए। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होती है, यदि शरण में आए हुए को स्वीकारा नहीं तो मार्ग नहीं दिखाया तो यह भी संत धर्म की हानि है। अब महंत जी ने अपने रंगनाथ जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वैश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते, यदि तुम हृदय से अपने उस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे रंगनाथ जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे प्रभु वह मुकुट स्वीकार कर लें तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ़ करके अपनी कृपा प्रदान कर दी है। वैश्या का मन तो पहले से ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शिरोधार कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने रंगनाथ जी के लिए 3 लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वैश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ रंगनाथ जी मंदिर के लिए प्रस्थान किया।
मंदिर में पहुँचते ही जब यह बात समस्त ग्रामवासियों को और पुजारी मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वैश्या के धन से अर्जित मुकुट रंगनाथ जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी उस वैश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और रंगनाथ जी का जी के सर्वविदित प्रेमी भक्त भी थे, तो किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। जैसे ही वैश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक ही पहुंची थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वैश्या वहीं रजस्वला हो गई, माथा पीट लिया अपना, फूट फूट कर रोने लगी, मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। हाय महादुख, संत की कृपा हुई, रंगनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि रसोला हो गई, मंदिर में जाने लायक ही नहीं रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे, पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते, उन्होंने वैश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं रंगनाथ जी के गर्भगृह प्रवेश कर श्री रंगनाथ जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धराएं और रंग जी धारण ही ना करें, मुकुट बार बार रंगनाथ जी के मस्तक से गिर जाए। अब तो महंत जी भी निराश हो गए, सोचने लगे हमसे ही बड़ा अपराध हुआ है, शायद प्रभु ने उस वैश्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर रंगनाथ जी से रहा ना गया, उन्होंने श्री विग्रह से ही बोल पड़े, आप बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वैश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन उसने आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनाने को कहा था। महंत जी ने बोला, प्रभु जब स्वीकार कर ही लिया है तो फिर उस बेचारी को लाया हुआ मुकुट क्यों नहीं धारण कर रहे हैं। रंगनाथ जी बोले, मुकुट तो हम उसी वैश्या के हाथ से ही धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से, उसे तो तू बाहर ही छोड़ कर आ गया, अब खुद मुकुट पहना आ रहे हो मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु वो रजस्वला है, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब तो रंगनाथ जी भी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे मुकुट। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की यह आज्ञा सुन दांतों तले उंगलियां दबा ली, सब विस्मित से हो गए, संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया, जिसने सुना वो अचंभित हो गया। रंगनाथ जी की आज्ञा को सिरोधार कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वैश्या को सम्मानपूर्वक मंदिर में प्रवेश करवाया गया। अपने हाथों से वैश्या ने रंगनाथ जी का मुकुट धारण कराने लगी, नयनों से अविरल अश्रु की धाराएं बह रही थी, किंतु अद्भुत दशा हुई होगी, जरा सोचो, रंगनाथ जी भक्त को इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। रंगनाथ जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है, भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखारविंद का मानो अभिषेक हो गया, वैश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे, अवर्णनीय दशा थी। आज रंगनाथ जी ने उस प्रेम स्वरूप भेद स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका लिया और मुकुट धारण कर वैश्या को वो पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं और पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कोटि कोटि वंदन है ऐसे संत को जो उस अन अधिकारी वैश्या पर अनुग्रह कर श्री गोविंद के चरणों में का अनुसरण करवाया। वास्तव में प्रभु का ये शाश्वत सत्य स्वरूप है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही रिश्ते हैं। लाख यत्न कर लो, हजारों नियम कानून कायदे बना लो, परंतु यदि भावपूर्ण भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। दीनदयाल करुणाधान प्रभु जब तक किसी भक्त के की करुणा पुकार पहुँचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते, दौड़े चले आते हैं निज भक्त के पास। प्रभु तो स्वयं प्रेम की डोरी में स्वयं बनने के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु उन्हें निश्चल प्रेम में बांधने वाला कोई विरला ही होता है। भाइयों बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।